चुनावी शंखनाद हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। मिजोरम में भी एक चरण में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं तेलंगाना में एक चरण में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में 3 दिसंबर तक काउंटिंग की जाएगी और 5 दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पिछले लगभग एक हफ्ते से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाली 9 तारीख को निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। आज दोपहर 12 बजे निर्वाचन आयोग ने सभी कयासों से पर्दा हटाते हुए राजनीति की बिसात बिछा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की। इसी के साथ उन्होंने सभी नागरिकों से वोट डालने की अपील की। बात करें मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 5,61,36,220 है, जिनमें 2,88,56,007 पुरुष, 2,72,39,945 थर्ड जेंडर की संख्या 1,373 है। इन तीनों के अलावा मध्यप्रदेश में कुल 75,295 सर्विस वोटर है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करने वाले हैं। MP में एक और 18 साल से काबिज भाजपा, तो वहीं दूसरी ओर हमलावर कांग्रेस।